हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आप लोगों को सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, राइट? और दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग फॉर 2021 एग्ज़ाम्स। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं दोस्तों 2021 एग्ज़ाम्स के लिए, इसके अंदर दोस्तों मैंने कल की क्लास में आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बताया था। वॉट इज डिस्टिंक्ट पर्सन माई डियर फ्रेंड्स? दोस्तों, अगर हम कल का एक थोड़ा सा रिव्यू करें तो कल मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुका हूं, एक बार उसको देख लेते हैं। कल की क्लास में माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बता रहा था, राइट? और मैंने आप लोगों को रिलेटेड पर्सन के बारे में भी बताया था। अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शंस बता रहा हूं जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी डियर आपको उन ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानना पड़ेगा, एंड दैट इज गिवन अंडर शेड्यूल नंबर 1। दोस्तों, ये सारी बातें हम कहां पढ़ रहे हैं? शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पैरा हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस असेट्स का अगर आप ITC लेते हो और बाद में वही बिजनेस असेट अगर आप किसी को गिफ्ट में देते हो, विदाउट कंसीडरेशन देते हो, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, बशर्ते कि पहले आपने उसके ऊपर क्या ले रखा हो, ITC ले रखा हो। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे थे, और सेकंड जो पैरा है डियर, वो था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों, रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? मैंने कल एक बहुत लंबी लिस्ट आप लोगों को बताई थी एज पर GST लॉ। और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अगर सपोज करो डियर, आपके इंडिया में अलग अलग स्टेट के अंदर बिजनेस है, राइट? आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको GST के लॉ में रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग कराना पड़ेगा। बिकॉज GST के लॉ में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है, राइट? और आपको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल लिया था दोस्तों, मेरी फर्म का नाम है NAV & Associates। हमारा हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान में है और हमने एक नई ब्रांच ओपन करी है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर। तो दोस्तों, हमको रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, एंड वी शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन माई डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा डियर, उसे भी सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो। बस इतना सा ध्यान रखना माई डियर फ्रेंड कि ट्रांजेक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप रिलेटेड पर्सन हो, आप फैमिली मेंबर्स हो और आप एक दूसरे को सर्विस देते हो, तो पैसा कोई नहीं लेता विदाउट कंसीडरेशन, लेकिन वो आप पर्सनल पर्पस से कर रहे हो तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये जो आप शेड्यूल 1 का सेकेंड पैरा पढ़ रहे हो, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, इनके बीच में होने वाले ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा, भले ही वो विदाउट कंसीडरेशन हो। दोस्तों, बस एक बात का ध्यान रखना डियर कि जो भी ट्रांजेक्शन किया जा रहा है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, राइट? दोस्तों, डिस्टिंक्ट पर्सन में मैं आज आप लोगों को एक नई चीज और पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग सभी अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो, हम जो भी नोट्स बनाएंगे वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में बनाएंगे। एवरीथिंग मैं आपको राइट डाउन कराने वाला हूं, जिससे हमको चीजें लर्न होगी, और मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी आपको साथ में लेकर चलूंगा, जिसके लिए आपको सेपरेट क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सुनिए मेरी बात को। आज मैं आप लोगों को डिस्टिंक्ट पर्सन में एक नई चीज पढ़ाऊंगा, और उस नई चीज का नाम है दोस्तों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं उसको। अब ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, ये मैं आज आप लोगों को बता देता हूं।
दोस्तों सपोज करो एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जिसका नाम है रेड चिली। मैंने ब्लैक में लिख दिया, वैसे रेस्टोरेंट रेड है, रेड चिली नाम है उसका रेस्टोरेंट का, राइट। बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर, ये जो रेड चिली है, ये जो रेड चिली है ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। दोस्तों क्या है, ये रजिस्टर्ड सप्लायर है और इसका एसी रेस्टोरेंट है। एसी रेस्टोरेंट कहां पर है जी? एसी रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में। बहुत ध्यान से सुनिएगा डियर, तो मुझे बताओ डियर, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कौन से लॉ में करवाया होगा? जीएसटी लॉ में करवाया होगा। दोस्तों यही जो सेम रेड चिल्ली ग्रुप है, इसी रेड चिल्ली का एक दूसरा बिजनेस और है, दिस इज अ सेपरेट बिजनेस, और वो सेपरेट बिजनेस किस चीज का है मैं बता दूं, एल्कोहलिक लिकर, जो शराब होती है ना, दारू होती है, सोमरस क्या क्या बोलते हो आप, एल्कोहलिक लिकर का बिजनेस है, राइट। एल्कोहलिक लिकर की इनकी शॉप है, राइट। अच्छा दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो एल्कोहलिक लिकर होता है वो जीएसटी के लॉ में नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। व्हाई इट इज नॉन टैक्सेबल? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, एल्कोहलिक लिकर इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, इट इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी। दोस्तों ये जीएसटी के एम्बिट से बाहर होती है, इस पर जीएसटी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शराब पर ड्यूटी लगाने का पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो मैं इसको जीएसटी के लॉ में क्या बोलूंगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जो जो चीजें जीएसटी के एम्बिट से बाहर होती है उसको मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलता हूं, राइट। तो मुझे बताओ डियर, और ये जो इनका बिजनेस है ये कहां पर है? सपोज करो जी ये बिजनेस इनका राजस्थान में है, राइट। ये जो रेड चिल्ली का एल्कोहलिक लिकर का बिजनेस है ये इनका राजस्थान में है। अच्छा दोस्तों मुझे आप एक चीज का जवाब दीजिए, अगर आप शराब की सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर सप्लाइंग एल्कोहलिक लिकर, तो क्या उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा? दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, नहीं, नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जीएसटी के कानून में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला। ये जो रेड चिली है जो एल्कोहलिक लिकर की सप्लाई कर रही है उसका जीएसटी के लॉ में कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला, पक्की बात है। अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? जो एक्साइज लॉ है, वैट लॉ है, जो पहले से पुराने चल रहे हैं वहां होगा, लेकिन जीएसटी में तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एज पर जीएसटी लॉ इसको बताएं क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। देखो डियर, एग्जामिनर आपसे कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, आपकी स्टडी मैट में बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? देखो डिस्टिंक्ट पर्सन तो उसको बोलते हैं जब आपने जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराए, राइट। बिकॉज या तो स्टेट वाइज वाला मैटर है और आप दोनों जगह जीएसटी वाले प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी एक बिजनेस का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और दूसरा बिजनेस आपका नॉन जीएसटी वाला है, जैसे मैंने लिकर का एग्जाम्पल लिया, तो हम इसको डिस्टिंक्ट पर्सन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे दोस्तों? हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। हाँ सर, हमें बात समझ में आई, बस एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्या इट शुड बी ट्रीटेड एज, नोट कर लो अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, जो भी करना है भाई लिख कर करना है, राइट डाउन करना है, राइट डाउन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं।
इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, बट मस्ट बी इन द कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन बट मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सपोज करो शराब की सप्लाई रेड चिल्ली को महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट में होती है या महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट से कोई सप्लाई उधर होती है, तो उसे सप्लाई भी माना जाएगा डियर, और इन्हें हम कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब आप एक सेम पर्सन हो लेकिन आपको जीएसटी में सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, तो यू आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माई डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर दोस्तों आपका एक जगह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और दूसरी जगह आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है बिकॉज आप वहां नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा एक बात बता दूं डियर, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो, उसे सप्लाई माना जाएगा भले ही वो विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो। दोस्तों चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बस एक बात ध्यान रखना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इट मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों यहां आईटीसी का कोई लेना देना नहीं है। आईटीसी वाली बात अपने पैरा वन में पड़ी थी, शेड्यूल वन का पैरा वन। पैरा टू में आईटीसी से कोई मतलब नहीं है। जब जब ट्रांजेक्शन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगा, इवन विदाउट कंसिडरेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बस एक बात जिसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है वो है डियर, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक्सपेक्ट करता हूं डियर कि बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर करो, क्योंकि आपका लाइक जो है ना बड़ा मोटिवेशन देता है डियर। और मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आपको ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आप कमेंट करोगे डियर, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई राइट डाउन करके लिखने से आपको बहुत मजा आ रहा है और आपको याद हो रही है चीजें। यस सर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्टिंक्ट पर्सन में एक नई चीज और नोट कर लो, आप एक नई चीज और नोट कर लो, मैं बता देता हूं। और वो चीज आपको नोट करनी है, ट्रांजेक्शंस बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी, सेम लीगल एंटिटी ऑब्लिक स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर और यू कैन से ब्रांच ट्रांसफर विल क्वालिफाई एज सप्लाई, विल क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। जैसे दोस्तों यहां पर आप एक छोटी सी बात नोट करिएगा डियर, छोटी सी बात नोट करिएगा।
तो ये वाली बात समझ में आई आपको, स्टॉक ट्रांसफर वाली। सपोज करो दोस्तों हमारा हेड ऑफिस है राजस्थान में, और हमारी ब्रांच कहाँ पर है, पटना। पटना समझते हो? हाँ जी, पटना। पटना मतलब वो बिहार वाला पटना, यस बिहार वाला पटना। तो हमारा हेड ऑफिस तो राजस्थान में है और हमारी ब्रांच बिहार पटना में है। तो मुझे बताओ डियर, हमें रजिस्ट्रेशन एक लेने पड़ेंगे या दो लेने पड़ेंगे? सर हमें रजिस्ट्रेशन दो लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन सेपरेट सेपरेट लोगे तो आपको क्या माना जाएगा? आपको माना जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सपोज करो दोस्तों हेड ऑफिस से अगर गुड्स कहाँ भेज रहे हो, ब्रांच भेज रहे हो, तो जब आपका गुड्स हेड ऑफिस से कहाँ जाएगा, ब्रांच जाएगा। अच्छा, जब आपने उसे खरीदा होगा हेड ऑफिस में तो वो इनवर्ड सप्लाई होगी, आपने उसके ऊपर क्या पे किया होगा, जीएसटी। तो आप उस जीएसटी की क्या लोगे, आईटीसी लोगे। सही बात है दोस्तों। जब ये गुड्स हेड ऑफिस से ब्रांच जाएगा तो आप जानते हो डियर ये ट्रांजेक्शन विदाउट कंसीडरेशन होने वाला है। ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैसा होने वाला है? विदाउट कंसीडरेशन। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर। दोस्तों ये स्टॉक ट्रांसफर है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसे सप्लाई माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई, क्योंकि हेड ऑफिस और ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन होती है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बिजनेस के लिए हो रहा है, चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन है, लेकिन इसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है लगा देंगे तो, दोस्तों कोई नुकसान नहीं है। अगर जीएसटी लगाएंगे तो सर वैल्यू क्या लेंगे? सपोज करो डियर आपने पहले 10,000 का जीएसटी पे किया था हेड ऑफिस ने खरीदते समय, एट द टाइम ऑफ इनवर्ड सप्लाई। अब जब हेड ऑफिस से ये ब्रांच में जा रहा है और उन्होंने उसके ऊपर जीएसटी लगाया, सपोज 12,000, वैल्यू निकाल ली मार्केट वैल्यू और जीएसटी लगाया 12,000, तो आपको लगेगा यार 12,000 का जीएसटी लग गया। नो डियर, कोई दिक्कत नहीं है। हेड ऑफिस ब्रांच से 12,000 चार्ज करेगा और 10,000 की क्रेडिट लेके गवर्नमेंट को 2,000 पे कर देगा, है ना? 2,000 हेड ऑफिस गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन डियर एक बात बताता हूं, ये जो 12,000 लग गया, दिस इज ऑल्सो आईटीसी फॉर ब्रांच। ये ब्रांच के लिए इसका इनपुट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से ब्रांच के लिए ये इनवर्ड सप्लाई है। अगर हेड ऑफिस के लिए कोई चीज आउटवर्ड सप्लाई है तो ये ब्रांच के लिए दोस्तों इनवर्ड सप्लाई है, राइट? तो यहां पर ब्रांच क्या करेगी, 12,000 का आईटीसी बुक कर लेगी, और फिर जब ये गुड्स ब्रांच से फर्दर सप्लाई होगा कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो जैसे ही कंज्यूमर को गुड्स ब्रांच सेल करेगी, सपोज उस पर जीएसटी बनता है 15,000, तो ब्रांच ने जो 12,000 बीच में पे किया है उसका क्रेडिट यूटिलाइज हो जाएगा। तो आपको तो गवर्नमेंट को 3,000 ही देने हैं। तो दोस्तों अगर बीच में 12,000 का जीएसटी लग गया और सप्लाई मान लिया तो मुझे एक बात बताओ जी, नुकसान क्या है? क्योंकि आपको उतने का क्रेडिट मिल गया, है ना? आज अगर नहीं भी मानते तो क्या था? ठीक है जी, जीएसटी नहीं लगता 12,000 का, लेकिन जब आप दूसरी जगह ले जाकर बेचते तो फाइनली जीएसटी तो 15,000 लगता ना, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू 15,000 होनी है। तो वही वाली बात है दोस्तों, वही वाली बात है। तो सर फिर ऐसा किया क्यों गवर्नमेंट ने? इसलिए किया क्योंकि लोग दोस्तों चोरी चोरी, चिपके चिपके, चिपके चिपके नहीं, छुपके छुपके, चोरी चोरी छुपके छुपके सामान लेकर जाते थे बिना टैक्स दिए, और फिर जब पकड़े जाते थे तो कहते थे जी मैं तो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं तो सामान को ब्रांच पर लेकर जा रहा हूं, जबकि डियर वो उसको सेल करने के लिए लेकर जा रहे होते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला जी कि आप सेल करने के लिए ले जाओ या ब्रांच में ले जाओ, हम तो उसको भी सप्लाई मानेंगे। एक मैकेनिज्म बना दिया डियर ताकि टैक्स इवेजन कम हो और क्रेडिट का सिस्टम भी फॉलो हो सके, आप कहीं भी माल लेकर जाओ तो पूरे इंडिया में आपको क्रेडिट मिल सके। बाकी डियर आप मुझे खुद बताओ, अगर 12,000 जीएसटी लग भी गया तो की फर्क पैंदा है? बात तो वही है भाई, कोई एक्स्ट्रा मनी थोड़ी लग गई आपकी, क्योंकि जो पे आप करोगे उसका बाद में आपको क्रेडिट मिल जाएगा।
आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस सर, बिल्कुल समझ गए, है ना। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक एग्जांपल लेता हूं और ये एग्जांपल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन बन के आ सकता है आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल क्या है डियर, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बनाकर देता हूँ। ओ ई एम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर एग्जाम में। सर ये ओ ई एम क्या है? दोस्तों ओ ई एम है ओरिजिनल इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। एक बंदा है डियर जो ओरिजिनल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरर है, मतलब उसका काम ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाना है। उसने क्या किया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, किसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर मतलब ये जो दोनों मैन्युफैक्चरर हैं ये अलग अलग है। एक पर्सन तो केवल ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाता है और एक पर्सन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बनाता है। जैसे सपोज करो एक तो मारुति कंपनी है जो मारुति के ओरिजिनल पार्ट्स बनाती है, और मारुति सारे पार्ट्स नहीं बनवाती तो वो कुछ पार्ट्स किसी से बनवाती होगी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बोलते हैं उसको। अच्छा दोनों दोस्तों डियर अलग अलग है, राइट। ये एक अलग पर्सन है, वो एक अलग पर्सन है। ये एक अलग कंपनी है, वो एक अलग कंपनी है। सपोज करो डियर इसका नाम है एक्स लिमिटेड और इसका नाम है वाई लिमिटेड, राइट। अब इस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने उस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेंड किए, क्या सेंड किए जी, क्या सेंड किए मैं बता देता हूं। सेंड किए हैं दोस्तों मॉल्ड्स, मॉल्ड्स एंड डाइज, मॉल्ड्स एंड डाइज सेंड किए हैं, मॉल्ड्स एंड डाइज, और वो भी कैसे किए हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो मोल्ड एंड डाइज हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड किया गया है, राइट। तो दोस्तों जब फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसे सप्लाई माना जाए या ना माना जाए। मोल्ड्स एंड डाइज क्या होते हैं दोस्तों? मोल्ड एंड डाइज होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। आप हिंदी में बोल सकते हो सांचा, सांचा मतलब शेपिंग टूल, राइट, शेपिंग टूल वाला मैटर है ये। अच्छा सुनो, ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इसने कोई आईटीसी बुक नहीं करी है, मैं बता दूं पहले से, इसने इन मोल्ड डाइज पर कोई आईटीसी बुक नहीं करी है। और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन मोल्ड्स एंड डाइज को कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ले रहा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप इसको सप्लाई मानोगे? द आंसर इज नो, हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अब आप इसका रीजन जानना चाहोगे कि सर सप्लाई क्यों नहीं मानेंगे? अरे रीजन लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं एग्जाम में। अगर आप केवल ये लिखकर आ जाओगे कि इट इज नॉट अ सप्लाई तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, आप घुमा फिरा के लिखोगे तो भी आधा नंबर मिलेगा। लेकिन रीजन शुड बी गिवन, व्हाट इज द रीजन, कोई बता सकता है? रीजन ये है दोस्तों, अगर मैं रीजन की बात करूं सप्लाई नहीं मानने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन लिख लो नॉट रिलेटेड और नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों ना तो ये रिलेटेड पर्सन है और ना ही ये डिस्टिंक्ट पर्सन है। ना तो आप इनको रिलेटेड बोल सकते हो, भाई ये रिलेटेड की कहीं डेफिनेशन में कवर होते हो, और ना ही ये डिस्टिंक्ट है, क्योंकि एक पर्सन के अगर दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आप डिस्टिंक्ट बोलो तो ये वो भी नहीं है, राइट। तो दोस्तों हम इसको सप्लाई नहीं मान सकते एज पर पैरा टू, क्योंकि पैरा टू आपको ये कहता है कि ट्रांजेक्शन दो लोगों के बीच में हो, और वो दो कौन हो, या तो रिलेटेड पर्सन हो या डिस्टिंक्ट पर्सन हो। पर दोस्तों ना तो ये डिस्टिंक्ट है और ना ही ये रिलेटेड है, तो हम इनको सप्लाई नहीं मान सकते एज पर पैरा टू। अच्छा पैरा वन में भी नहीं मान सकते, क्योंकि पैरा वन में तब मानते हैं डियर जब हमने पहले आईटीसी लिया हो, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आईटीसी नहीं लिया, तो इसका मतलब दोस्तों ये सप्लाई नहीं है।
तो मैं आपको इतना सा कहना चाहता हूं कि जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और अगर वहां कंसीडरेशन नहीं हो तो आपको उसे आउटराइट सप्लाई नहीं मान लेना है कि इट इज अ मैटर ऑफ शेड्यूल वन. यू शुड चेक, क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन शेड्यूल वन. आपको देखना पड़ेगा कि वो शेड्यूल वन का मैटर है या नहीं है डियर. तो इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई. तो आप लिखोगे नॉट अ सप्लाई. दोस्तों ये सप्लाई नहीं है. एग्जाम में इस तरह की कई स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी. इट इज नॉट अ सप्लाई बिकॉज नो कंसीडरेशन इन्वॉल्व. क्योंकि दोस्तों यहां पर कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम इसको सप्लाई नहीं मान सकते और ना ही ये डिस्टिंक्ट और रिलेटेड है. सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. अब दोस्तों आपने जो पैरा टू पढ़ा शेड्यूल वन का, जहां पर डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच के ट्रांजेक्शन को सप्लाई मान लिया जाता है विदाउट कंसिडरेशन होने पर, इसका मैं आप लोगों को एक एक्सेप्शन नोट करा रहा हूं. इट इज एक्सेप्शन ऑफ पैरा टू. ये जो पैरा टू आप पढ़ रहे हो शेड्यूल वन में, इसका एक एक्सेप्शन आप नोट कर लीजिएगा. बड़े काम का एक्सेप्शन है वो. और एक्सेप्शन में आपको लिखना है दोस्तों, एक तो होता है एम्प्लॉयर, राइट, एक तो होता है एम्प्लॉयर और दूजा होता है एम्प्लॉई. एक को हम एम्प्लॉयर बोलते हैं और दूसरे को हम एम्प्लॉई बोलते हैं. एम्प्लॉई जो होता है डियर, वो एम्प्लॉयर को क्या देता है, सर्विसेज, काम करता है भाई, और उस काम के बदले में, उस काम के बदले में सैलरी मिलती है. एम्प्लॉयर भैया एम्प्लॉई को क्या देते हैं, सैलरी, सैलरी देते हैं एज कंसीडरेशन. एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को क्या देता है, सैलरी एज ए कंसीडरेशन, राइट, बिल्कुल देता है. तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एम्प्लॉयर है इसने एम्प्लॉई को सैलरी दी है और एम्प्लॉई ने वहां काम किया है दोस्तों, अपनी सर्विसेज दी है, लेकिन कैसे दी है नोट कर लो, इन द कोर्स ऑफ और इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, नॉट टू बी ट्रीटेड एज, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस. आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो शेड्यूल नंबर थ्री. दोस्तों मैं आपको थोड़ी देर बाद शेड्यूल नंबर थ्री भी पढ़ाऊंगा. शेड्यूल थ्री में मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन बताऊंगा दोस्तों, जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है. मैं आपको दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन बताऊंगा जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है. तो वहां पर लिखा है कि जो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होता है, जहां आप नौकरी करते हो, जहां आप एम्प्लॉयमेंट, आप जो काम कर रहे हो डियर वो एम्प्लॉयमेंट के रीजन से कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन दोस्तों ये सप्लाई नहीं मानी जाती, क्योंकि शेड्यूल थ्री का जो नेगेटिव लिस्ट है वहां पर सफा मना किया हुआ है कि आप इसको कभी भी सप्लाई नहीं मान सकते हो, राइट. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है. लेकिन दोस्तों एक बात आपको यहां पर बताना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर काफी लोगों में कंफ्यूजन बना होता है. तो दोस्तों गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो काम होता है सैलरी के रीजन से, उसको सप्लाई मानने से मना कर दिया. वरना आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे होते हैं तो वो अपने मालिक को सर्विस दे रहे हैं, तो वो मान लो 10 लाख का पैकेज है तो वो अपने एम्प्लॉयर से कहेंगे भैया जरा 10 लाख तो पैकेज के दे दे
और 18% जीएसटी दे दे। तो दोस्तों कभी भी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, बिकॉज उसको शेड्यूल 3 के अंदर सप्लाई मानने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है डियर जिस पर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाना चाहती, तो उनको शेड्यूल 3 बनाकर सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है और वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। दोस्तों होता क्या है, जैसे एक एम्प्लॉयर होता है और ये एम्प्लॉयर सपोज करो अपने एम्प्लॉई को, ये जो एम्प्लॉयर है ना ये अपने एम्प्लॉई को क्या दे रहा है दोस्तों, ये अपने एम्प्लॉई को सपोज करो गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट, गिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं उपहार। हमारे देश में भी डियर गिफ्ट दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं। एक राष्ट्रीय त्यौहार आता है फरवरी के महीने में, अगर आपको पता हो 14 फरवरी, 14th फेब, उस दिन हमारी कंट्री में डियर गिफ्ट लेने और देने का काम बहुत ज़्यादा चलता है। हाँ सर हमें सब पता है, आप मत बताओ, ठीक है। दोस्तों गिफ्ट और भी रीजन से दिए जाते हैं, बर्थडे पर गिफ्ट दिया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट दिया जाता है ना। ऐसे ही डियर कई बार एम्प्लॉयर भी अपने एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है। जो एम्प्लॉयर होता है वो भी अपने एम्प्लॉई को क्या देता है, गिफ्ट। जैसे सपोज करो कंपनी की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी नहीं, कंपनी को 25 साल हो गए डियर, तो 25 साल होने पर कंपनी जो है अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रही है और एम्प्लॉयर ने ये डिसीजन लिया कि हम सभी एम्प्लॉयज को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट देंगे डियर, ऐसा उन लोगों ने डिसीजन लिया। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो गिफ्ट दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, क्या ये एम्प्लॉयमेंट के रीजन से दिया जाता है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स में लिखा होता है कि आपको गिफ्ट देना पड़ेगा? ना जी ना, गिफ्ट देना या ना देना डियर एम्प्लॉई की इच्छा पर होता है। आप किसी एम्प्लॉयर से जबरदस्ती गिफ्ट ले नहीं सकते, है ना। लेकिन जो परक्यूसिट्स होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है, दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो जो चीजें इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनको तो सप्लाई मानना ही नहीं है, ये तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को शेड्यूल 3 में। लेकिन डियर जो गिफ्ट दिया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, वो डिस्क्रिएशन होती है डियर, मालिक अपनी खुशी से देता है अपने एम्प्लॉय को। तो डियर ये जो गिफ्ट होता है ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं दिया जाता, राइट। तो इसका मतलब इट इज नॉट मैटर ऑफ शेड्यूल 3, गिफ्ट देना शेड्यूल 3 का मैटर नहीं है, गिफ्ट देना शेड्यूल 3 का मैटर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब सर फिर इस पे जीएसटी लगना चाहिए, क्यों लगना चाहिए? क्योंकि सर जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होते हैं, आपने हमें इसे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में बताया था, तो देखो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड हो गए, पहली बात। दूसरी बात सर, वो फ्री में कुछ दे रहा है एम्प्लॉई को, गिफ्ट दे रहा है, तो आपने कहा था कि रिलेटेड पर्सन अगर आपस में कोई भी गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई मानो। बिल्कुल डियर, इस पर सप्लाई की तलवार लटक गई है, इस पर सप्लाई की तलवार लटक गई है। इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये सप्लाई क्यों है डियर? क्योंकि पहली बात तो ये एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं दी गई कि आप शेड्यूल 3 से बाहर निकल जाओगे, ना 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 ना। दूसरी बात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड की डेफिनेशन में आते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसको सप्लाई माना जाए। लेकिन डियर यहां पर सावधान हो जाना डियर, मैं मानता हूं डियर कि ये सप्लाई है, इस पे जीएसटी भी लगाओ, लेकिन डियर मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर आप लोगों को बहुत सावधानी से एक बात लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। इफ गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग
इफ गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 वैल्यू, रुपीज 50,000 वैल्यू इन आ फाइनेंशियल ईयर, इन आ फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर गिफ्ट की राशि पूरे साल भर में 50,000 से ज्यादा नहीं है इन आ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को चाहे एक बार गिफ्ट देता हो या 10 बार देता हो 10 times, आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में गिफ्ट का अमाउंट देखना है। इफ इट इज नॉट मोर देन 50,000 तो लॉ ने बोला कि हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि डियर छोटे मोटे गिफ्ट देखो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता रहता है। अब आप ये कहोगे कि साहब ये सप्लाई है जीएसटी लगाओ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गिफ्ट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इट इज मैटर ऑफ शेड्यूल वन, तो जीएसटी की तलवार लटक गई। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर गिफ्ट का अमाउंट पूरे साल भर में 50,000 से ज्यादा नहीं होगा तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, मतलब हम आपका जीएसटी वहां पर बचा लेंगे। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा दोस्तों कि सर अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट अमाउंट, ये 50,000 एग्रीगेट है डियर, ये अगर 50,000 से ज्यादा होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर नोट कर लीजिए, बट इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट मोर देन रुपीज 50,000, मोर देन रुपीज 50,000 मेड विदाउट कंसीडरेशन, गिफ्ट का मतलब ही विदाउट कंसीडरेशन होता है, आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। जैसे दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर सपोज करो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को पूरे फाइनेंशियल ईयर में 60,000 रुपीज का गिफ्ट दिया तो क्या आप उसको सप्लाई मानोगे? यस डेफिनेटली मानेंगे। कितने को मानोगे, 10,000 को या 60,000 को? द आंसर इज 60,000, जीएसटी पूरे 60,000 पर लगेगा। तो दोस्तों फिर से सुन लो, अगर आप नौकरी करते हो, आप एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉयर आपको परक्यूसिट देता है, अलाउंस देता है, बेसिक सैलरी देता है, कमीशन देता है, बोनस देता है, तो उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता, उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता सर, लगना चाहिए, सर्विस दे रहा है, कंसीडरेशन भी है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, नहीं लगता डियर, इट इज अ मैटर ऑफ शेड्यूल थ्री। शेड्यूल थ्री में उसको सप्लाई मानने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया, शेड्यूल थ्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं उसको। लेकिन दोस्तों जो गिफ्ट होता है वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि वो नौकरी के कारण नहीं दिया जाता, उसका कोई कंडीशन नहीं होता है कि गिफ्ट देना पड़ेगा, इट इज डिस्क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयर। तो गिफ्ट जो होता है डियर वो शेड्यूल थ्री में कवर नहीं होता है, इसका मतलब उसको सप्लाई माना जाना चाहिए, बिकॉज वो रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड होते हैं। लेकिन डियर सरकार ने यहां पर एक रिलैक्सेशन दिया है कि अगर गिफ्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50,000 है तो हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो जाता है, 60,000 हो जाता है, तो फिर पूरे 60,000 को सप्लाई माना जाएगा एंड इट इज लाइबल फॉर जीएसटी। आई थिंक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर बात समझ में आ गई है डियर इसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स तक, ताकि उनको भी क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, जो थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं, है ना, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर क्लियर कर देता हूं। तो आई एक्सपेक्ट दोस्तों कि यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
अब मैं दोस्तों आप लोगों को शेड्यूल वन का पैरा नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। देखो पैरा वन हमने पढ़ लिया जहां पर बिजनेस असेट्स की अगर हम क्रेडिट ले लेते हैं और बाद में हम उन बिजनेस असेट्स को विदाउट कंसिडरेशन किसी को भी, उसमें रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, किसी को भी अगर देंगे तो वो सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा पैरा मैंने पढ़ाया कि जब भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होगा विदाउट कंसिडरेशन इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई बट इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वहां पर ITC वाली बात का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। अब मैं आप लोगों को शेड्यूल वन का पैरा 3 पढ़ा रहा हूं। हमारा शेड्यूल वन चल रहा है दोस्तों, 2 पैरा हमने पढ़ लिए हैं। अब हम मेन तीसरे नंबर के पैरा पर आते हैं डियर। तीसरे नंबर का पैरा क्या बोलता है दोस्तों? एक तो होता है प्रिंसिपल, है ना दोस्तों, एक तो प्रिंसिपल होता है और एक होता है दोस्तों एजेंट। एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं शेड्यूल वन का पैरा नंबर 3। ये हमारे शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 3 है जहां पर दोस्तों एक प्रिंसिपल है और एक हमारा एजेंट है, राइट। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल होता है दोस्तों, ये एजेंट को क्या करता है लिख लीजिए एक बार, फिर समझाता हूं। सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसीडरेशन इज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट कंसीडरेशन इज सप्लाई वेयर, ये लाइन जरूर लिखिएगा, वेयर एजेंट, वेयर एजेंट सप्लाई सच गुड्स, वेयर एजेंट सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, राइट। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। एजेंट का काम क्या होता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स की आगे फर्दर सप्लाई करना। मतलब एजेंट क्या करता है जी, प्रिंसिपल से गुड्स मंगा लेता है और उसे प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे फर्दर सप्लाई करता है, राइट। अब होगा क्या डियर, जब एजेंट आगे फर्दर सप्लाई करेगा, जब एजेंट उसकी आगे फर्दर सप्लाई करेगा तो वहां पर तो कंसीडरेशन होगा और उस कंसीडरेशन हम पर हम GST भी लगाएंगे, वो कोई बात नहीं है। बात यह है दोस्तों कि प्रिंसिपल जो एजेंट के पास गुड्स भेज रहा है वो उसके पैसे क्यों लेगा? क्योंकि वो तो एजेंट को दे रहा है, भाई तू मेरे बिहाफ पर भेज। तो लॉ ये कहता है कि जब गुड्स प्रिंसिपल से एजेंट के पास जाएगा तो चाहे वो भले ही विदाउट कंसीडरेशन हो, हम उसको सप्लाई मानेंगे। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इस गुड्स के ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाएगा और सप्लाई मानकर इस पर लगाया जाएगा GST। लेकिन दोस्तों मैं ये मानता हूं कोई नुकसान नहीं है। GST अगर सपोज करो 10,000 लगा भी दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये एजेंट जब फर्दर सप्लाई करेगा, सपोज वहां GST 12,000 बना, तो एजेंट को 10,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। तो अगर 10,000 लग भी गया है तो भाई ये तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा ना फर्दर सप्लाई करने पर। मतलब यूं समझ लो जी, स्टॉक ट्रांसफर की तरह है कि जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को माल भेजती है तो वो बेचती थोड़ी है, वो तो भेजती है, लेकिन उसको सप्लाई मानते हैं ना, GST लगाते हैं ना, और ब्रांच को उसका क्या मिल जाता है? ITC मिल जाता है। जस्ट लाइक दैट माई डियर फ्रेंड्स, अगर प्रिंसिपल गुड्स एजेंट के पास भेज रहा है और अगर उसको सप्लाई मान भी लिया दोस्तों, GST लगा भी दिया, तो की फर्क पैंदा है, उसकी बाद में क्रेडिट मिल जाएगी। बताओ इसमें इशू क्या है? इसमें कोई इशू नहीं है, है ना। तो यही बात दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा था। अच्छा, इसमें एक बात और बताना चाहूंगा डियर आप लोगों को,
सपोज करो डियर, कोई बंदा एजेंट है, राइट, कोई बंदा एजेंट है और वो प्रिंसिपल को, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल को गुड्स की, गुड्स भेज रहा है, गुड्स सेंड कर रहा है विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन। तो जैसे ही वो गुड्स विदाउट कंसीडरेशन सेंड करेगा, इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन डियर यहां पर ये क्या बात हुई सर, एजेंट प्रिंसिपल के पास क्यों भेजेगा विदाउट कंसीडरेशन? इट मे बी पॉसिबल डियर कि सारा माल ना बिक पाए, तो एजेंट जो बचा हुआ स्टॉक है वापस प्रिंसिपल के पास विदाउट कंसीडरेशन ही तो भेजेगा। आया भी तो विदाउट कंसीडरेशन था दोस्तों। और एक रीजन और हो सकता है कि एजेंट प्रिंसिपल के पास गुड्स विदाउट कंसीडरेशन क्यों भेज सकता है, आप नोट कर लो ब्रैकेट में, वेयर वेयर एजेंट, वेयर एजेंट रिसीव सच गुड्स, वेयर एजेंट रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों एजेंट कई बार प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स परचेज भी करते हैं, कुछ एजेंट तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर माल को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को बाय करते हैं, परचेज भी करते हैं। तो दोस्तों जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी गुड्स को रिसीव करेगा और उसे वो गुड्स प्रिंसिपल के पास भेजना है तो इट इज ऑल्सो विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 इस ट्रांजेक्शन को क्या मानेगा, सप्लाई मानेगा। तो आप मेरे हिसाब से डियर इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यस सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं, राइट, बिल्कुल। दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो पैरा 3 आप पढ़ रहे हो इसके मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। ये पॉइंट्स बड़े काम के हैं डियर, क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड हियर। एक बार नोट कर लो फिर बता देता हूं। सेकेंड पॉइंट नोट कर लो, डिटरमाइन whether principal agent relationship, determine whether principal agent relationship falls within schedule 1, determine whether principal agent relationship fall within schedule 1, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए दो पॉइंट आपको नोट करने हैं, फिर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, फर्दर सप्लाई बाई द एजेंट, फर्दर सप्लाई बाई द एजेंट इन हिज नेम then it would fall
और सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर, इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, देन इट शुड नॉट फॉल, देन इट शुड नॉट फॉल, देन इट शुड नॉट फॉल। और एक तीसरा पॉइंट और नोट कर लो, थर्ड पॉइंट, इफ गुड्स, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल है। इफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाई द एजेंट, इफ गुड्स प्रोक्यूर्ड बाई द एजेंट एंड इनवॉइस्ड इन द नेम ऑफ द एजेंट, इट वुड कवर्ड बाई शेड्यूल नंबर वन, इट वुड कवर बाई शेड्यूल नंबर वन। तो दोस्तों एक बार आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द पैरा थ्री ऑफ शेड्यूल वन, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों एक्सपेक्ट करता हूँ क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आप नोट्स को लिख कर बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, बिकॉज जब आप राइट डाउन करते हो दोस्तों तो राइट डाउन करने से आपके माइंड को मैसेज जाता है और चीज़ें याद होती हैं। याद करो वो दिन जब आप स्कूल में नोट्स बनाकर पढ़ाई करते थे, दोस्तों बस वैसे ही पढ़ाई करने की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए थे बस वही नंबर हम यहाँ पर भी स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत चाहिए और लिखने का प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन बैंक हम अलग से सॉल्व करेंगे दोस्तों, बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो, जोश जगाना बहुत जरूरी है दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।